सो हे गाइस, वेलकम टू वॉच एंड टॉक शो। और आप देख सकते हो इधर पूरे एप्पल के प्रोडक्ट्स है, और इधर है शाद भाई। शाद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद। सो क्या अभी पब्लिक को बताएंगे जितने आईफोन वगैरह जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स इधर अपन ने निकाले उसकी प्राइस वगैरह ड्रॉप हो गई कि नहीं? थोड़ा भी बहुत प्राइस ड्रॉप हो चुका है कंपैरेटिवली पहले के ऐसा। ओके, अभी आप देखेंगे तो सब सीरीज है, आईफोन का 13 से लेके 12 प्रो है, 13 प्रो है, 13 प्रो मैक्स है, सब मिलेंगे। ओके, और प्राइस भी ऑलमोस्ट बहुत ड्रॉप हो चुका है। ओके, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आईफोन 11 12 की भी प्राइस उनको चाहिए थी क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं करते थे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे सब। तो अभी क्या क्या रखे हो इधर अपन ने? अभी यहाँ रखा हुआ है 13 रखा हुआ है। ओके, 13 प्रो रखा हुआ है। ओके, मैक्स है। ओके, 12 है, 12 प्रो है। इधर आई वॉच भी है, आई वॉच भी है, मैकबुक भी है। ओके, एयरपोर्ट प्रो मैक्स है, आईपैड प्रो 12.9 इंच वाला भी है। ओके, एयर भी है। और इधर आप देख सकते हो एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट जो चल रहा है वो सब है इधर, 3 से लेके प्रो से, प्रो 2 से लेके सब है यहाँ पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे हम लोग स्टार्ट करेंगे आईफोन 13 से। 13 में कौन कौन से कलर है शायद? 13 में अभी जो हमारे पास ब्लू है, ब्लैक है, पिंक है, रेड है, और जैसे कि आप देख सकते हैं आपको सब वेरिएंट। ओके, तो सब कलर के सेम प्राइस है या डिफरेंट है? सब एक ही प्राइस, एक ही प्राइस है। 2800 120 जीबी का। ओके, उसमें 256 भी आता है, 256 जीबी आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 3150 का। 13 हो गए। ओके, और अभी जाएंगे हम लोग 13 प्रो में। 13 प्रो आप 120 जीबी लेगा तो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 3800 का पड़ेगा। 13 में कौन सा ये? 13 में ये है। हाँ, इसमें भी आपको सब कलर मिल जाएंगे। कलर जो है ये सेरा ब्लू है। हाँ, ओके, लोग पागल है ये कलर के लिए। तो 13 प्रो में क्या 120 जीबी की क्या प्राइस है? इसमें 120 जीबी का प्राइस है 3800। ओके, 256 जीबी का प्राइस है आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 4200 का पड़ेगा। ओके, इसमें कम करके 4150 तक भी आपको कर सकता हूँ मैं। 4150 तक बेस्ट प्राइस है, 256 जीबी बेस्ट में आएगा। ओके, सो अगर किसी को लेना है 256 तो 4150 बेस्ट प्राइस इधर अवेलेबल है वॉच एंड टॉक शॉप में। 512 जीबी भी है। ओके, और 1 टीबी भी आता है इसमें। ओके, आपको 512 जीबी लेगा आप ये प्राइस में आपको 5100 में पड़ेगा। 5100, ये थोड़ा चीप हो गया, 5500 समथिंग था। यस, थोड़ा चीप हो गया। ओके, सो 1 टीबी का भी अवेलेबल है, अगर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, शायद का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और so, अभी जाएंगे 13 प्रो मैक्स में। 13 प्रो मैक्स 6.7 इंच का आएगा ये साइज। ओके, इसमें भी आपको सारा कलर है, ब्लैक है, आप देख सकते हैं सेरा ब्लू है, इसमें सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, मतलब okay. चार कलर आता है। ओके, सो इसमें सेरा ब्लू का सेम प्राइस है? सेम प्राइस सब से okay. स्टार्टिंग करते हैं 128 जीबी वेरियंट से। ओके, 128 जीबी आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 4300 का पड़ेगा। ओके, ठीक है, अगर आप टैक्स लेना चाहते हैं तो 4180 प्लस वैट में भी आपको मिल जाएगा, 4180 प्लस वैट में मिल जाएगा। ओके, इसमें 256 जीबी आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 4500 का पड़ेगा। 4500 इसमें 256, और इसमें 512 जीबी लेते हैं तो आपको पड़ेगा 5200 का पड़ेगा। 5200, और इसमें 1 टीबी का भी आता है, राइट? 1 टीबी का भी आता है, 6150 का जाएगा। 6150 1 टीबी। ओके, सो 1 टीबी लोग लेते हैं? हाँ, लेते हैं, यूजुअली सब लोग लेते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है वो लेते हैं। रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है जो बिजनेस पर्पस में के लिए यूज करते हैं 1 टीबी। ओके, आजकल मैकबुक वगैरह में भी 1 टीबी आया, फोन में भी, फोन में फर्स्ट टाइम आया 1 टीबी, एप्पल ने फर्स्ट टाइम निकाला 13 में, फर्स्ट टाइम आया 13 में, फर्स्ट टाइम आया। ओके, सो आप देख सकते हैं इधर 13 सीरीज हमने कवर किए, अभी कौन सा शायद 12? अभी हम लोग जाएंगे 12 में। ओके, 128 जीबी में आएगा स्टार्टिंग, 64 आता है, 120 आता है। ओके, 64 जीबी आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 2400 का पड़ेगा। 2400, ओके, 120 जीबी आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 2650 का पड़ेगा। इतना कम हो गया? बहुत कम हो गया। ओके, और इसमें 256? इसमें 256 नहीं आता, सिर्फ 128। ओके, सो 12 भी हो गया, अभी 12 प्रो, अभी जाते हैं 12 प्रो में। 12 प्रो में कौन से कलर है? 12 प्रो में गोल्ड है, ब्लू है, ग्रे है। ओके, सब कलर मिल जाएंगे आपको। 12 प्रो 120 जीबी आएगा आपको 3400 का पड़ेगा। 3400, इसमें आप 256 जीबी लेंगे तो 256 एक्चुअली थोड़ा कम है, कंपैरेटिवली 3780 का मिलेगा आपको। 3780 ओनली फॉर 256 जीबी। ओके, तो 12 प्रो हो गया, अभी 12 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स अभी प्राइस में देता हूँ लेकिन स्टॉक अवेलेबिलिटी भी थोड़ा कम है। 128 जीबी का आएगा आपको ऑलमोस्ट 3800 का 120 है और 4100 का 256 है। ओके, लेकिन स्टॉक अवेलेबिलिटी नहीं है अभी, शॉर्ट है थोड़ा स्टॉक 12 प्रो मैक्स का। 13 प्रो मैक्स सीरीज चल रहा है इसके लिए 12 प्रो मैक्स शॉर्टेज है अभी। ओके, सो अगर किसी को लेना है 12 प्रो से बेटर है 13 लो, राइट? उस प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो भी प्राइस 300-400 का ही डिफरेंस है। ओके, सो बेटर है 13 ही लो। और राइट, सो सब इधर हमने कवर किए जितने भी आईफोन्स थे। ठीक है, अभी हम जाते हैं आई वॉच में। आई वॉच में कौन कौन से शब्द है? आई वॉच में जीपीएस में भी है, 41 में,
ओके कौन कौन से इधर दिखाएंगे पब्लिक को? ये सीरीज 7 में, ये सीरीज 7 में नाइकी एडिशन है ओके। और आपको नॉर्मल एडिशन चाहिए नॉर्मल एडिशन भी आएगा, नॉर्मल एडिशन ये बॉक्स टाइप में आता है ओके, नाइकी में ब्लैक में आता है ओके। दोनों का प्राइस डिफरेंस है 2550 दिरहम्स का डिफरेंस पड़ेगा, बस उतना ही है। ये आप लेंगे तो आपको 1480 का पड़ेगा, 1480 सीरीज 7 में 45 mm मोड 41 आपको पिंक कलर है तो थोड़ा महंगा जाएगा, वो आपको 1450 का जाएगा पिंक कलर ओके। तो जो स्टारलाइट कलर करके आता है और दूसरा जो मिडनाइट वगैरह है वो आपको 1430 का जाएगा ओके। सो लेडीज का कलर थोड़ा महंगा है, लेडीज कलर थोड़ा महंगा है, सब कलर आप देखेंगे तो 1350 तक मिल जाएगा, मिल जाएगा ओके। और सीरीज 7 तो हो गया, सीरीज 6 भी अपने पास? सीरीज 6 नहीं है, नहीं है, 6 में सेलुलर मिलेगा मेरे पास, अभी स्टॉक में सेलुलर है ओके। वो आपको 1850 में एकदम हाफ प्राइस में दे रहे हम लोग, 1850 ऑफिशियल प्राइस है इसका, 1950 तक है लेकिन 1850 में हम लोग दे रहे हैं ओके। तो इसमें एसी भी आता है ना जो सबसे चीपे से बजट में? यस यस ओके। किसी को गिफ्टिंग करना है जो बजट एप्पल वॉच है वो कौन सी दिखाएंगे? एसी में ये वाला आएगा, ये वाला एसी ओके। इसमें नाइकी भी आता है, नॉर्मल भी आता है ओके। एक सेकंड ओके, सो ये है एसी? हां यस ओके। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको 40 mm लेंगे तो 1010 का पड़ेगा आपको ओके। और इसमें आप 44 लेते तो 1130 का पड़ेगा, 1130 ओके। सो हमने आई वॉच भी आपको दिखाया, आईफोन्स भी दिखाए। सो शाद भाई जितने आईफोन्स है वो कौन से स्पेक्स है, मतलब कहाँ के? ये इंटरनेशनल स्पेक्स है ओके। इसमें दो स्पेक आता है ओके, जापान और यूएसए। और तो ये कौन से? ये अभी जो मैंने ब्रांड में प्राइस बताया तो ना मिक्सअप बताया ओके, मतलब जापान और यूएस मिक्स है। अगर आप यूएस प्रीफर करते हैं तो उसमें एक 100 दिरहम का डिफरेंस पड़ेगा ही पड़ेगा। जापान और यूएस में सिर्फ 100 दिरहम का डिफरेंस रहता है, आप और हम कभी सुना नहीं है कि जापान वाले ने आईफोन के ऊपर केस किया है कि तूने यू आर मेकिंग सब एनी डिफॉल्ट थिंग्स टू मी। एक एक कंट्री एक एक रूल के हिसाब से बनाते हैं। आप इंडिया से लेंगे तो उसमें इंडियन स्पेक है, जापान से लेंगे जापान स्पेक है, यूएसए है से यूएसए स्पेक है। सो बोलने का मतलब जो इधर जो आपको लेना आप ले सकते हो, सिर्फ 100 दिरहम का डिफरेंस रहेगा। क्योंकि वो 100 दिरहम का क्यों डिफरेंस है? क्योंकि यूएस का टैक्स की वजह से वो आने से शिपमेंट वगैरह से उसके लिए प्राइस महंगा है। अभी आपको जापान भी यूएसए भी दोनों भी आप एप्पल स्टोर में एप्पल के वेबसाइट में डालेंगे ना तो सेम थिंग ही आएगा, नॉन एक्टिविटी मिलेगा आपको okay। और ये जितनी प्राइस अपन ने बताया वो सब 5% एक्सक्लूडिंग है राइट? 5% एक्सक्लूडिंग, इसके ऊपर 5% वैट नहीं। और टूरिस्ट है तो वैट आपको रिफंडेबल, तो आप बिल वगैरह सब बना के देंगे? सब एग्जैक्टली सब बना के देंगे हम लोग ओके। ठीक है, तो आई वॉच भी हो गए, अभी हम बढ़ते हैं मैकबुक को। अभी हम बढ़ते हैं मैकबुक में, मैकबुक में कौन कौन से शायद है? मैकबुक में मैकबुक एयर से लेके मैकबुक प्रो भी है ओके। सो सबसे सस्ता इधर मैकबुक एयर है, मैकबुक एयर है, उसकी क्या प्राइस है? 3300 का पड़ेगा, 3300 256 256 प्लस वैट ओके। तो 3300 के इधर है मैकबुक एयर 256 M1 चिप, ठीक है। उसके बाद मैकबुक प्रो, मैकबुक प्रो 256 GB लेगा तो ऑलमोस्ट आपको 4200 का पड़ेगा, 4200 ओके। ये इसमें भी M1 चिप है राइट? और ये कौन सा मैकबुक में? ये 512 GB है, 256 दोनों आता है इसमें ओके। 4850 का आपको 512 GB आएगा ओके, मैकबुक प्रो में ओके। और जो अभी शायद प्रो मैक्स समथिंग आया वो नहीं है आपके पास? जो 14 इंच वाला हाँ भी आपको मिल जाएगा, उसकी प्राइस क्या है? मेरे पास नहीं है लेकिन कस्टमर का रिक्वायर्ड है, मंगा के आपको दे देगा बेस्ट प्राइस में ओके। वो अभी का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 7700 का रेंज में चल रहा है, 7700 ओके। और ये दूसरा अभी मैकबुक हो गया, अभी अभी जो अभी एयरपोर्ट मैक्स में भी इसमें भी ऑफर प्राइस है ओके। इसका भी प्राइस ड्रॉप हो गया राइट? ये आप हाँ इसका भी प्राइस ड्रॉप, ये आया था स्टार्टिंग में 1900 के आसपास ओके। अभी कितना अभी है? इसका प्राइस चल रहा है 1350 का चल रहा है। बाप रे, मतलब बहुत आई थिंक 1600 इसका प्राइस था। सो एयरपोर्ट्स मैक्स में भी प्राइस कम हो गया, 1350 प्राइस है ठीक है। और ये आईपैड में कौन सा है? आईपैड में 12.9 में भी है, 128 GB भी है ओके। तो ये आईपैड कौन सा है? ये आईपैड प्रो 12.9 है, जो एकदम लेटेस्ट जो आया है। हाँ हाँ, ये आपको पड़ेगा ओनली वाईफाई 128 GB का 3300 का, 3300 M1 चिप वाला है। और इसमें 256 GB भी है, 256 GB आपको पड़ेगा 3600 का पड़ेगा, 3600 ओके। इसमें भी दो कलर है, एक ग्रे आता है एक सिल्वर आता है। इसमें 1 TB का भी आता है ना? 1 TB आता है, 5700 के आसपास आएगा, 5700। हमने सब कवर किए इधर, आईफोन कवर किए ठीक है, एप्पल वॉचेस, मैकबुक, एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट मैक्स और आईपैड। अब इधर है
एयरपोर्ट्स सो एयरपोर्ट्स में कौन कौन से लेटेस्ट है? एयरपोर्ट्स में सबसे लेटेस्ट है एयरपोर्ट्स 3। एयरपोर्ट्स 3 जनरेशन कितना है वो? आपको 580 का पड़ेगा। 580 और एयरपोर्ट्स सेकंड जनरेशन? सेकंड जनरेशन आपको पड़ेगा 400 धरम का। इसमें प्रो भी आता है, प्रो आपको पड़ेगा 670 का पड़ेगा। 670 का, ओके। सो इतनी है एयरपोर्ट्स, राइट? एप्पल के जो भी है सब आप देख सकते हैं, सबका प्राइस मैंने दे चुका है। ओके, सो आपका काम है, आप आओ, प्राइस अगर आपको ये प्राइस भी अच्छा नहीं लगा तो आप आओ, डिस्कशन भी होएगा, एडजस्ट भी हो जाएगा, सब कर देगा आपको। जो आपका जो प्राइस है आप बोल दो, वो प्राइस में मैक्सिमम देने की कोशिश करें। ओके, सो अगर किसी को लेना है एयरपोर्ट से लेके आईफोन से लेके मैकबुक एयर आईपैड वगैरह, ठीक है, तो आप आओ वॉच एंड डॉक शॉप में। शाहद भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, तो आप आओ और अच्छा डिस्काउंट मांगो, शाहद भाई पक्का आपको अच्छा डिस्काउंट देंगे। आपको ऐसा लग रहा है प्राइस अच्छा है लेकिन चीज़ में कुछ फॉल्ट है ऐसा कुछ लग रहा है, आपको मैं जेन्यून टीवी आपका एप्पल का वेबसाइट में मैं आपको चेक करके देगा, 1 ईयर इंटरनेशनल पूरा आपको चेक करा, उसके बाद आप पेमेंट देते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको वैट रिफंड मिलेगा, ठीक है? तो शायद भाई कोई आए तो अच्छा डिस्काउंट दो, ठीक है? अच्छा प्राइस ही देता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।